साल, तो छोटे मोटे काम मतलब हमारा आना जाना इधर लगा रहता है, तो भूसा ले लिया है। उसके बाद हम नहाएंगे, क्योंकि सुबह से मैं नहाई नहीं, क्योंकि मुझे पता था भूसा लेने जाना है, मिट्टी का थोड़ा काम करना है, उसमें फिर सारे कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर नहाया धोया एक बराबर हो जाता है, इसलिए मैं पहले नहीं नहाई थी, तो अब नहा लेते हैं। और हमारे यहाँ 2 दिनों से धूप नहीं आई थी, बारिश का टाइम चल रहा है, तो कपड़े ऐसे ही थोड़ा थोड़े भीगे रखे थे, थोड़ा सूखे रखे थे, और चेयर में मैंने रख दिया था, पता नहीं कैसे दक्षु ने मिठाई खाई किया किया तो उसमें चींटियाँ आ गई थी कपड़ों में, इसलिए मैंने उन्हें धूप में सूखने के लिए डाल दिया। और हमारे घर के काम सब लोग कराते रहते हैं, भतीजियाँ हैं वो भी सब लगी रहती हैं, पर कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, कुछ क्या बहुत सारे काम होते हैं जो खुद करने पड़ते हैं, और काम तो बांट बांट के कर लेते हैं। तो मैंने आज कपड़े निकाले, दक्षू के लिए मुझे फ़्रॉक बनानी थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े बहुत दिनों से सोच रही थी उसके लिए कुछ फ़्रॉक बना देती हूँ, टुकड़े जो रखे हैं बचे हुए हैं तो वही मैं आज ढूँढ रही हूँ कि जिससे मैं दक्षू के लिए थोड़ा फ़्रॉक व्रॉक बना लेती हूँ, जिससे वो पहन ले। वो बहुत कहती मम्मा कुछ फ़्रॉक बना दो, मम्मा फ़्रॉक बना दो, तो उसी तैयारी में हम लग गए हैं। तो कपड़े हमारे कटिंग हो गए हैं, इसको कल बनाएंगे, नहीं तो थोड़ा शाम को बनाएंगे। दक्षुक भी हमारी आ गई है स्कूल से, जब तक ये नहीं घर में होती है तो बहुत शांति बनी रहती है, कोई शैतानी करने वाला नहीं होता है, और जिस टाइम से ये आ जाती है तो घर में सारे कपड़े ये पूरा बिस्तर सब ऐसे ही ख़राब कर देती है। और जब बच्चे नहीं होते हैं तो आपको पता है बिल्कुल ख़राब लगता है, और बच्चे आ जाते हैं तो घर में चहल पहल सा हो जाता है, और दक्षुक तो बहुत शैतानी करती है, उस मकान से इस मकान इसका बिल्कुल ऐसे ही रहता है, सबको हंसाती रहती है, सबको परेशान करते रहती है। तो ये आ गई है, अब शैतानी स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा खाना पीना भी अब हमें बनाना है, शाम का जल्दी बनाना है, क्योंकि मौसा लोग आए हैं पारो के, तो वो खाना खा के जाएंगे। तो यहाँ आग मैंने जला ली है, और आग जलाने में आजकल इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ा भीगी हुई हैं तो आग थोड़ा बड़ी मुश्किल से जलती है। और आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि घर पर ही बैंगन लगे हुए हैं, 1 महीने से हम बैंगन नहीं खा रहे थे, क्योंकि सावन चल रहा था, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही थी और बैंगन वगैरह नहीं खा रहे थे, तो आज से हमने लहसुन प्याज खाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज दीदी ने कहा बैंगन की सब्ज़ी बना लो, जब प्याज आज खा ही रहे हैं आज से, तो बैंगन से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे बैंगन लगे हुए थे, क्योंकि 1 महीने से बैंगन नहीं तोड़ रहे थे तो वो बेकार हो जा रहे थे। दक्षु को लगी थी बहुत भूख, तो मम्मा खाना बना दो जल्दी से, इसलिए मैंने शाम के 5 बजे से ही खाना अपना स्टार्ट कर दिया था बनाना। सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिए, क्योंकि दक्षु को भूख लगी थी, मैंने कहा चावल वो खा लेगी, तो उसके लिए 1 बैंगन मैंने भून दिया था, क्योंकि उसे भुना हुआ बैंगन खाना था, उसे बहुत पसंद है भुना हुआ बैंगन। और हम अपने लिए यहाँ बैंगन की सब्ज़ी काट लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत दिनों के बाद कोई नई सब्ज़ी, वैसे तो नई सब्ज़ी नहीं है, बैंगन वैसे पुरानी ही सब्ज़ी है, लेकिन 1 महीने के बाद हम बैंगन बन की सब्ज़ी खा रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में शायद बैंगन नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे लिए नई सब्ज़ी है। कपड़े सुबह के मैंने धूप में डाल रखे थे, वो भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और चावल हमारा बन गया था, बस हमारी सब्ज़ी है जो मैंने चूल्हे में चढ़ा दी है वो भी बन रही है धीरे धीरे। और भांजे लोग आए हैं तो मैं थोड़ा सूप वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और आज बहुत दिनों के बाद लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बन रही है हमारे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो लोग पहले से नहीं खाते हैं लहसुन प्याज तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है, और हम लोग तो हमेशा खाते हैं, तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाने में, जितना ही मसाले डाल लो जितने अच्छे से पका लो पर कोई टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आज बहुत दिनों के बाद लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी हमने स्टार्ट कर दी है। सावन वैसे 2 महीने का बता रहे हैं, लेकिन हम लोग 1 ही महीने का मना रहे हैं, बस मांस मछली सोच रहे हैं नहीं खाएंगे अभी। तो हमारी बैंगन की सब्ज़ी तड़का लगाने के लिए तैयार है, और थोड़ा सूप वाली सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि भांजे को थोड़ा सूप वाली सब्ज़ी पसंद है। और रोटियां मैं अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि आग के पास बैठना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए शाम को चावल ही बना लेते हैं, और रोटियां बनाएंगे जब ठंड का टाइम आता है।
तो शाम को ही रोटियां बनाते हैं, तब सुबह चावल बना लेते हैं। और शाम को अगर रोटियां बनाओ तो रात हो जाती है, बहुत देर लग जाती है, और सुबह तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई कहीं जाने वाला नहीं है, आराम से बना लेते हैं। या हम अपनी कढ़ाई साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बारिश का टाइम है, जंग बहुत जल्दी लग जाती है, और जंग वाली कढ़ाई में खाना बनाते मतलब सब्ज़ी बनाते हुए बड़ा बेकार लगता है। तो मेरा तेल का जो कपड़ा है मैं उसी में रगड़ लेती हूँ, तो इसमें जंग नहीं लगती है। और अपने खाने का प्रोग्राम हम चालू करते हैं। अब खाना बन गया है, ये लोग भी अपने घर जाएंगे, तो पानी मैंने दे दिया है खाने के लिए, अब खाना परोस लूँगी मैं। ये भी जल्दी जल्दी खाना खा के चले जाएं क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। और लोग दीदी पूजा कर रही हैं, पारो नहाने गई है, बस तीन लोग हैं अभी खाना खाने के लिए, तो इनको खाना दे देते हैं और इनके बाद वो उनका काम निपट जाएगा तो वो भी लोग खाना खा लेंगे। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं खाने के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।